गाइस, दिस इज सुमा, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ इस ऑलिव ऑयल की रिव्यू। मुझे बहुत सारे व्यूज से मुझे क्वेश्चन किया है कि मार्केट में बहुत सारे ऑलिव ऑयल अवेलेबल हैं, लेकिन कौन सा अवेलेबल हमारे हेयर और स्किन के लिए अच्छा है, तो वही हम आज इस वीडियो में शेयर करेंगे। सो लेट्स सी द वीडियो। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक करें। मार्केट में बहुत सारे ऑलिव ऑयल अवेलेबल है, उसमें हम लोग बहुत ही बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑलिव ऑयल पिक करें मेरे स्किन और हेयर के लिए, क्योंकि आजकल ऑलिव ऑयल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है मेरी डेली लाइफ के लिए। हम मानते हैं कि ऑलिव ऑयल अफोर्डेबल नहीं होता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन ये स्किन और हेयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल ऑयल है गाइस। ऑलिव ऑयल बहुत सारे हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, हम लोग सब जानते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कितना बेनिफिशियल है स्किन और हेयर के लिए। सो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल, प्योर ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल, पोमेस ऑयल, तो इन सारे जो ऑलिव ऑयल्स हैं, ये ऑलिव ऑयल्स हम अभी इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे और एक एक करके मैं बताऊंगी क्या आपके हेयर के लिए अच्छा है कि नहीं, अब कौन सा चूज करेंगे अपने हेयर और स्किन। तो पहले मैं बताऊंगी कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के बारे में। तो हम लोग सभी जानते हैं कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे स्किन और हेयर के लिए, और कुकिंग में भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज होता है। मैं ऑप्शन भी दूंगी, मार्केट में बहुत सारे ऑलिव ऑयल्स हैं जो एक्स्ट्रा वर्जिन है, जो अच्छा है वो मैं जरूर ऑप्शन दूंगी। उसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का मतलब है कि ऑलिव को पहले, यानी जैतून को पहले लाया जाता है और उसको 24 आवर्स के अंदर उसे पहले प्रेस किया जाता है। पहले प्रेसिंग से जो ऑयल निकलते हैं उसको रिफाइन नहीं किया जाता है और सॉल्वेंट भी यूज नहीं होता है इसके ऊपर। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में भरपूर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स है, जिसकी वजह से ये हेयर में, स्किन की बहुत सारे इश्यूज में ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। ये हेल्थ में, यानी स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। मैंने अभी आपको बताया कि ऑलिव को 24 आवर्स के अंदर जो फर्स्ट प्रेस किया जाता है उससे जो ऑयल निकलता है उसी से जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बनता है, जो मैंने अभी बताया। तो वर्जिन ऑलिव ऑयल है वो सेम तरीके से इसी भी बनाया जाता है, लेकिन ये सेकेंड प्रेसिंग होता है। मतलब आपको सेकेंड टाइम जो प्रेस होता है ऑलिव को, जो प्रेस किया जाता है ऑलिव को, तो उससे जो ऑयल निकलता है उसी से वर्जिन ऑलिव ऑयल बनता है। तो इससे भी कोई भी सॉल्वेंट यूज नहीं होता है और इससे भी कोई उतना ज्यादा केमिकल्स भी नहीं रहते हैं, तो ये भी हेयर और स्किन के लिए सेफ है। आप वर्जिन ऑलिव ऑयल को हेयर एंड स्किन केयर पे यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपकी हूँ क्या है प्योर ऑलिव ऑयल। प्योर ऑलिव ऑयल को रिफाइन किया जाता है, उस पर केमिकल्स यूज होता है, उसमें सॉल्वेंट भी यूज होता है उसे प्योर करने के लिए। तो प्योर ऑलिव ऑयल है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी प्योर ऑलिव ऑयल आप खाने पे यूज कर सकते हैं, यानी कुकिंग पे यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली प्योर ऑलिव ऑयल हेयर एंड स्किन केयर में यूज करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगी गाइस। एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल भी मार्केट में मिलते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल आप हेयर केयर के लिए यूज ना करें। आप स्किन क्लींजिंग और नहीं तो आप मेकअप रिमूवर से यूज कर सकते हैं, ये कुकिंग में तो ऑब्वियसली इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि आप हेयर केयर में एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल यूज ना करें। आपको पोमेस ऑलिव ऑयल क्या होता है, मार्केट में बहुत सारे ऑलिव ऑयल अवेलेबल होते हैं, जैसे कि वो है पोमेस ऑलिव ऑयल। तो पोमेस ऑलिव ऑयल क्या है, पोमेस ऑलिव ऑयल में 5-8% तक ऑलिव के पल्प रहते हैं, और बहुत सारी जगह पे मैंने इंटरनेट पे छू ही पढ़ा है कि पोमेस ऑयल में भी आपकी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी यूज किया जाता है, उसमें मिक्स होता है, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि पोमेस ऑयल आप प्लीज कुकिंग में यूज करें, इसे आप हेयर केयर और स्किन केयर में यूज ना करें। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं जो ऑलिव ऑयल यूज करती हूँ उसके बारे में, उसकी जो रिव्यू आपको दूंगी। तो ये है लियोनार्डो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, आप शायद देख पा रहे हैं लियोनार्डो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो इसकी जो पैकेजिंग है, ये प्लास्टिक का एक बॉटल है, कैप भी ये प्लास्टिक का है। एक्स्ट्रा वर्जिन जो ऑलिव ऑयल होता है उसका कलर जो है थोड़ा सा ग्रीन एंड येलो टाइप का एक आपका ऑयल मिलेगा आपको। तो ये इसे कलर और स्मेल, मैं नहीं बोलूंगी ये स्वीट
अरोमा ऐसा कुछ एक स्मेल है, लेकिन मुझे ये स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का ये स्मेल है। तो ये का नाम है यूनोट द एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल फॉर सैलड ड्रेसिंग एंड टिप्स। तो यहाँ पे खाने पे यूज करने के लिए बोला गया, लेकिन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। इसके जो सारे न्यूट्रिशन फैक्ट्स है जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, शायद आप देख सकते हैं, मैं जो यहाँ पे दिखाऊंगी बहुत ही छोटा है, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं सारे सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी, आप शायद देख सकते हैं। ये 500 ml का एक बॉटल है, इसका जो प्राइस है 6,49, शायद मैं आपको दिखा पा रही हूँ 500 ml, और प्राइस इसके नीचे ही मेंशन किया हुआ है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। तो ये काफी डिस्काउंट में मुझे मिला है, आई थिंक 350 या 400 कुछ ऐसे में मुझे मिला है, मुझे इतना याद नहीं है। मैं ऑलरेडी ये 1.5 month हो गया है मैं इसे यूज कर रही हूँ, उससे ज्यादा हो गया है। तो एग्जैक्ट इसका जो प्राइस है वो मैं जरूर आपको मेंशन कर दूंगी, और इसकी जो बेस्ट बाय लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से बाय कर सकते हैं, आपको काफी अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाएगा। तो आपको ये ऑलिव ऑयल बहुत सारे जगह पे मिल जाएंगे, जैसे कि बिग बाजार, स्पेंसर, मोर, ये सब जगह पे आपको ये ऑलिव ऑयल मिल जाएंगे। मैं नहीं बोलूंगी आप पर्टिकुलर यही ब्रांड लो, लेकिन आप, मैंने जब अभी बताया कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल दी बेस्ट फॉर योर हेयर एंड स्किन केयर, तो मैं यही रिकमेंड करूंगी आप। इस समय हेयर और स्किन केयर में यूज करती हूँ। अगर आप जानना चाहते हो कि ऑलिव ऑयल को हेयर एंड स्किन केयर में हम कैसे यूज करें, तो आप काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, तो मैं जरूर इसकी जो यूजेज है ऑलिव ऑयल की, तो मैं वो जरूर आपके साथ शेयर करूँ। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मैंने अभी आपको बताया कि कैसे पहचाने की वो एक्स्ट्रा वर्जिन है, तो आप यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप शायद देख सकते हैं, कोल्ड प्रेस्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ हार्वेस्टिंग। तो ये है ओरिजिनल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। कुछ ऑलिव ऑयल के मैं ऑप्शन भी आपको आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आपको अगर यूनिट तो ऑलिव ऑयल ना मिले तो आप कौन सा ऑलिव ऑयल इसका सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं जो बेस्ट आपकी हेयर केयर स्किन केयर के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस इतना सारा प्रोडक्ट, इतना सारा ऑलिव ऑयल तो ऑप्शन रहते नहीं है, मैं जो पिक्चर है ऑलिव ऑयल वो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी और नाम भी यहाँ पे मेंशन करूंगी। अगर आपको ये परचेस करना है तो मैं सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से बाय कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी मार्केट सिटी, जैसे मार्केट मैंने आपने अभी आपको बताया है, उसी मार्केट में भी आपको ये मिल जाएगा, आपको एनी ग्रोसरी शॉप में भी मिल जाएगा। मैं इजी अवेलेबल ऑलिव ऑयल के बारे में आपको बताऊंगी। पहले मैं बताऊंगी फिगरो ऑलिव ऑयल, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, फिगरो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, तो मैं अभी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, आप शायद देख सकते हैं। इसमें बताऊंगी बर्तोनी ऑलिव ऑयल, जो मैं यहाँ पे अभी मेंशन कर रही हूँ, ये आपको छोटे पैकेजिंग और बड़े पैकेजिंग जैसा आप चाहते हो वैसे ही आपको मिल जाएगा। मैं प्राइस और ये मेंशन कर रही हूँ आपको, और सारे के सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एरोमा मैजिक ऑलिव ऑयल, जो कि यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, और एक ऑलिव ऑयल है फेरल ऑलिव ऑयल, फेरल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, आप फेरल भी बोल सकते हैं, फेरल भी बोल सकते हैं, शायद मैं प्रोनाउंसिएशन गलत भी बोल सकती हूँ। तो ये ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन हो तो वो ही आप जरूर खरीदिए। मैं यही बोलूंगी कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो अफोर्डेबल है, ऑलिव ऑयल अफोर्डेबल है, ऑलिव ऑयल अफोर्डेबल नहीं है। अगर आप ऑलिव ऑयल लेना चाहते हो तो थोड़ा सा कॉस्टली जरूर आता है, लेकिन ऑलिव ऑयल स्किन केयर और हेयर केयर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आप एक खरीदेंगे तो आपको ये, मैं बोल सकता हूँ, बड़ा बॉटल आप खरीदेंगे, बहुत सारे डिस्काउंट में भी बहुत जगह पे मिल जाता है, तो अभी बहुत सारे काम भी ये आएंगे। तो कैसा लगा आपको मेरी वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो के बारे में आपको कुछ भी बताना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं इसके आंसर जरूर करूंगी। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, एक लाइक मुझे बहुत ही ज्यादा इंकरेजिंग मोटिवेट करते हैं गाइस। और ये वीडियो आपको जरूर कुछ अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी बहुत किसी की हेल्प हो। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आगे से बहुत ही अच्छी अच्छी और भी वीडियोस देखने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।